हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे? तो हम तरबूज इसके लेके आए हैं रैबिट्स के लिए। तो हम उनको डालते हैं, ये देखे हमारे रैबिट्स, और वो टीम है रैबिट्स अंदर बैठी हुई है। और हमारा कज़न आया हुआ है नफीसुल हसन, ये देखो, ये हम हमारे नफीसुल हसन। डॉग पसंद आई आपको? रैबिट रैबिट पसंद आए हैं? किधर ना रैबिट हैं? क्या करने हैं? लेने हैं। वो पीछे क्या है? वो क्या है? चूजे हैं। अच्छा जी, तो हम रैबिट को थोड़ी देर बंद करते हैं। तो जी, तो गाइस हमारे रैबिट निकलेंगे बाहर। तो ये जी एक नींबू बाहर निकाला है, अंदर घुस गया। तो जब आते हैं बाहर आगे, तो ये देखें जी हमारे रैबिट्स बाहर आ चुके हैं। पीछे 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 पीछे, उधर नहीं जाना, ये वरना अंदर भाग जाएंगे। ये देखें जी हमारे रैबिट्स बाहर आ रहे हैं, तरबूज तरक्की खाने के लिए आ रहे हैं। और ये जी हमारे डक्स, उनका तालाब सूख चुका है, तो हम सुबह पानी डालेंगे इसके अंदर। तो आज भी नहीं डाल सके, तो मैंने को डामा में पानी डाला हुआ था, तो इन्होंने जी यहाँ से पानी पिया है। तो हमारे चिक्स, उन्होंने तरबूज तरक्की देख लिया, उनको भी डालते हैं। तो ये देखें जी रैबिट्स बाहर आए हैं। तो आज आपको बेबी रैबिट चेक करेंगे, वो कितने बड़े हो गए, आज उन्होंने आँखें भी खोल दी, वो भी चेक करेंगे। ये डक देखो, उन पर हमला करने के लिए आ रही है, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी दो ही बाहर आए हैं, बड़े रैबिट्स बेबीज। तो दो अंदर हैं और एक बड़ा मेल अंदर है। तो मैं इसको डक को पका दूँ, ये ना हो इन पर हमला कर दे। तो हम चलते हैं केज के अंदर, और ये रही हमारी फीमेल, और ये रहा जी हमारा शेरू खान, ये वाइट मुर्गा है हमारा स्नो वाइट। और हम निकालते हैं जी रैबिट्स के बेबीज जो यहाँ पे हैं। ये देखें जी, हमने वन निकाल लिया बेबी। तो हमें हम और बाहर निकालते हैं, दो बेबीज बाहर निकल चुके हैं। तो बाकी को निकालने की कोशिश करते हैं, देखें इन्होंने आइज भी खोल ली है थोड़ी थोड़ी, तो बाकी चेक करते हैं। तो जनाब जी, ये देखें जी बेबीज बाहर निकल आए हैं। तो आपको महसूस हो रहा होगा इनकी आँखें खुल चुकी हैं, तो ये थोड़े बहुत चल भी रहते हैं। तो ये देखें जी रैबिट्स के बेबीज, माशाल्लाह तकरीबन ये 14 दिन के हो चुके हैं। और ये देखें जी कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इन्होंने आस्ता आस्ता आइज़ खोल ली हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह और 10 दिन के बाद ये बाहर निकल आएँगे, 10-12 दिन के बाद निकल आएँगे ये बाहर, और फुल भागना शुरू कर देंगे। तो इस केज से हम इनको निकाल गए, तो हम जो छोटे वाले केज है ना, ये पिंजरे वाला, इसमें इनको बंद कर दिया करेंगे। तो ये चेक करें जी, इनकी रेड आइज हैं माशाल्लाह। तो मैं आपको पकड़ के चेक कराता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपको ब्लैक नज़र आ रही होगी आइज, तो ये है रेड आइज माशाल्लाह। ये चेक करें बेबीज़ का शो करें, ये देखें आप रेड आइज आपको नज़र आ रही होगी। तो ये मेरी मुट्ठी में पूरा आ चुका है, इतने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इनको नज़रबंद से बचाए। तो चेक करें जी, तो हम इनको अब केज में बंद कर देते हैं। कब कैसे लगे हैं बेबीज, पसंद आए हैं? हाँ। लेने हैं आपने? हाँ। तो आप किधर रखोगे? तो का तो बिजली पकड़ के ले जाएगा, आप कैसे उनका घर बनाओगे? हैं, तो अभी छोटे हैं, फिर आपको देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये देखिए जी हमारी फीमेल रैबिट्स। तो हम कलर का सोच रहे हैं, तो हम ग्रीन कलर करेंगे इस दरवाजे को, जाली वगैरह को, और इसको तो हमें टाइम ही लगता है। तो हमने लगाए हुए असल गाल में, उधर जो गाल है हमारा, उधर पट्टी लगाए हुए हैं, और वीडियो में देखा होगा। तो हम रात को उधर रहते हैं, तो आज तीसरा दिन होगा रात को उधर रहना फिर, तो इसलिए हम हमारा टाइम लग रहा है, वरना हम इस पूरे केज की जालियों को हम कलर करते हैं ग्रीन, तो वो भी जल्द करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी हमारी फीमेल रैबिट्स। तो हम चलते हैं बाहर जनाब, हमारी डक्स बाहर घूम रही हैं। नफीस आ जाओ। तो इनको मैंने रोटी वगैरह डाली थी, तो उन्होंने नहीं खाई। तो भाई हमारा खालसा देखें जी, फल लगा हुआ साथ, वो ऐसा से तैयार हो जाएगा। ये देखें जी हमारे रैबिट्स बाहर निकल रहे हैं, और इन्होंने छिड़के वगैरह खा दिए हैं, तो इनको और डालते हैं।
तो इनको केज में ही डाल देते हैं। तो यहाँ से दरवाज़ा खोलते हैं छोटा, तो जनाब जी हमने रैबिट्स को डाल दिया है, तरबूज छिलके वो खा रहे हैं शौक से। तो हम चलते हैं केज के अंदर, तो उसी में रैबिट्स को डालते हैं छिलके। तो इसको मैंने एक बार डाला था, इसने नहीं खाया, तो हम तरबूज छिलके डालते हैं इसको। ये लो जी अपने वाइट मुर्गी को डालते हैं जी तरबूज का छिलका। तो एक और डाल देते हैं जनाब इसको, तो ये शौक से खाता है जी। तो ये जनाब हमने डाल दिया इसको, तो ये देखना जी आप कैसे खाते हैं। ये सब मिठास होती है इसमें, तो ये बहुत शौक से खाते हैं। और हम डॉग्स को उनके छिलके रखे हैं, हम कब डालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें, क्योंकि आपको तमाम आने वाली नोटिफिकेशन पर पता मिल सकें। और इसके बाद मैं जाज चाहूँगा, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय। इधर देखो, इधर देखो, ओ अल्लाह हाफिज़ फीस, क्या बोला है को, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, को बाय।